गिरिराज जो हमारे कृष्णा का रूप है और कृष्णा को बहुत प्रिय हैं और हमारी रक्षा करते हैं। ये जर्मनी से आई हुई हैं, 22 साल पहले यहाँ वृंदावन में आई थी और तब से लेके अभी तक निष्ठापूर्वक यहीं पर रहती हैं। विदेशी लोग भी जब आते हैं और ये सारी कहानी वो सुनते हैं कि क्या महत्व है गिरिराज जी का और परिक्रमा करते हैं और जब देखते हैं माता जी का निस्वार्थ सेवा आदि तो वो भी इसमें सहयोग करते हैं। गिरि गोवर्धन नख धरे करे वृष्टि के रक्ष, दिए चुनौती इंद्र को जन गोवर्धन के पक्ष। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज में गोवर्धन पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। हम इस वक्त हैं वृंदावन में, आप देखेंगे वृंदावन में किस तरीके से विदेशी माता जी ने ये गोवर्धन सजाए हैं। आप जिधर देखेंगे उधर कितने सुंदर तरीके से इनका श्रृंगार किया है और आप देखेंगे गोवर्धन जो गोधन से बनाए गए हैं और ये पूरे खाद्य सामग्री से गोवर्धन बनाए गए हैं। आप भी इनके दर्शन कीजिए और इधर देखेंगे पूरा ऐसा लग रहा है कि गोवर्धन पर्वत यहाँ पर आ गया है और हर जगह आप देखेंगे यहाँ पर गोवर्धन पर्वत पर जिधर देखेंगे उधर देखिए कितने सुंदर इनके नेत्र, कितने सुंदर इनने पगड़ी धारण कराई गई है और इधर आप देखेंगे तो हर यहाँ पर पक्षी, हर यहाँ पर जानवर आपको दिखाई देगा। देखिए गाय यहाँ पर है, बंदर यहाँ पर है और तमाम यहाँ पर मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तुलसी माता जी के भी आप देखिए यहाँ पर दर्शन कीजिए, यहाँ पर ये दर्शन हो रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ की माता जी से कि कैसे बनाया, कब बनाया। माता जी राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? ब्रज सेविका दासी। महाराज जी कहाँ से वृंदावन आई हैं आप? जर्मनी से। जर्मनी से आप वृंदावन आई हैं, आपने गिरिराज जी इतने सुंदर सजाए, कैसे सजाए? गिरिराज जो हमारे कृष्णा का रूप है और कृष्णा को बहुत प्रिय हैं और हमारी रक्षा करते हैं। कितने वर्षों से आप इन्हें सजा रही हैं इस तरीके से? 2002 से। आज आपने गोबर के भी यहाँ पर गिरिराज जी बनाए और खाद्य सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, हलवा से भी बनाए, तो कितना टाइम लगा बनाने में? कई घंटे। राधे राधे, हरे कृष्णा राधे हरे कृष्णा। मेरा नाम तुलसी वल्लभ दास है, मैं वृंदावन में ही निवास कर रहा हूँ पिछले कई वर्षों से और हम यहाँ आते हैं प्रतिवर्ष। ये गिरिराज जी का, गिरिराज गोवर्धन का भोग लगता है, अन्नकूट महोत्सव होता है यही कार्तिक महीने के शुक्ल प्रतिपदा तिथि पे हर साल यहाँ पे इसका उद्यापन किया जाता है। और ये जो माता जी हैं व्रज सेविका माता जी, ये जर्मनी से आई हुई हैं, 22 साल पहले यहाँ वृंदावन में आई थी और तब से लेके अभी तक निष्ठापूर्वक यहीं पे रहती हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहले इनके सामने कुछ गाय बैल जो बाहर के होते हैं सड़कों के, वो आते थे तो उनको इन्होंने खिलाना प्रारंभ किया। खिलाते खिलाते बढ़ते गए, अभी इनके पास 40 बैल हैं, ज़्यादातर बैल हैं, कुछ 4-5 गाय भी हैं, तो वो सेवा करती हैं, निस्वार्थ सेवा करती हैं और जो इंजर्ड बैल वगैरह इनको भी करती हैं। फिर ठाकुर जी गिरिराज की, किसी ने इनको किसी व्रजवासी ने गिरिराज प्रदान किया तो गिरिराज को स्थापना करके यहीं पर वो परिक्रमा करती हैं और हर साल इस समय ये गिरिराज की परिक्रमा होती है और ये अन्नकूट महोत्सव होता है। तो अन्नकूट महोत्सव क्या है कि पहले व्रज में सामान्य जो व्रजवासी होते थे वो इंद्र की उपासना करते थे और उनके मन में ये औचित्य था कि इंद्र ही वर्षा करते हैं तो वर्षा होती है तभी शस्य उत्पन्न होते हैं, अतः हर साल बड़े धूमधाम से लोग इंद्र की उपासना करते थे। तो जब द्वापर युग में भगवान का अवतरण हुआ तो भगवान ने देखा कि इंद्र तो मेरे अधीनस्थ हैं तो यहाँ पर व्रजभूमि में सिर्फ भगवान की ही उपासना होनी चाहिए। तो इंद्र का दर्प चूर्ण करने के लिए उन्होंने क्या किया कि सारे व्रजवासियों को जब देखा कि नंद बाबा, माता भी सब जो हैं व्रज इंद्र की पूजा करने में व्यस्त हो गए हैं तो उन्होंने कहा कि भगवान सर्वनियंता हैं तो भगवान की उपासना करो। फिर व्रजवासियों को कहा गिरिराज की अर्चना पूजा करने के लिए, तो इससे इंद्र अत्यंत रुष्ट हो गए। फिर इंद्र ने प्रबल वर्षण शुरू किया और उस वर्षण वृष्टि से सारे व्रजवासियों की रक्षा के लिए उन्होंने बाएं हाथ की काणी उंगली में
सात साल के बच्चे ने, उस कन्हैया ने सात दिन तक, सात दिन सात रातों तक गिरिराज जी को धारण किया। और सारे व्रजवासी छाते के, जैसे छाते के नीचे हम खड़े होते हैं, वैसे गिरिराज जी के नीचे आश्रय ग्रहण किया। तो इससे इंद्र का दर्प चूर्ण हो गया। इंद्र भी क्षमा याचना किए, तो उनको पता चला इंद्र को कि हम तो सामान्य देव हैं, देवराज इंद्र हैं, लेकिन ये साक्षात भगवान हैं। फिर गिरिराज जी को उतारा। सात दिन के बाद जब वर्षण समाप्त हुई, फिर भगवान ने सभी व्रजवासियों को प्रोत्साहित किया, आप सब लोग घर में अच्छे अच्छे पकवान बना के भगवान को अन्नकूट महोत्सव कीजिए। तो उसी को ये सिंबॉलिक पूजा हम हर साल करते हैं, यही कार्तिक महीने के शुक्ल प्रतिपदा तिथि में। तो यहाँ के जो भी प्रतिवेशी जन हैं, सभी अपने घर में पकवान बनाते हैं। आज जैसे आपने देखा, बड़े बड़े बहुत सारे मिठाई, बहुत सारे पकवान, ये सारे व्रजवासी बच्चे और हम लोग आके इसका उद्यापन करते हैं। मंत्र स्तुति आदि पाठ करके इसका हम हर साल इसका पालन करते हैं। ठीक है, देसी भक्त भी, ब्रजवासी भी यहाँ पर पूजा करते हैं, विदेशी भक्त भी यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ। तो कैसे उन्हें प्रेरणा मिल रही है? देखिए, क्या है कि जब ब्रजवासी लोग तो करते ही हैं, स्वाभाविक, उनको पता है, भारतीयों को हमारे संस्कृति के बारे में पता होता है। विदेशी लोग भी जब आते हैं और ये सारी कहानी वो सुनते हैं कि क्या महत्व है गिरिराज जी का, और परिक्रमा करते हैं, और अलग 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 संप्रदाय से जुड़े हुए हैं लोग, वे भी आते हैं और जब देखते हैं माता जी का निस्वार्थ सेवा आदि, तो वो भी इसमें सहयोग करते हैं और हर साल आते हैं बड़ी धूमधाम से। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 वर्षों में लोगों की मात्रा बढ़ गई है और लोग आते भी हैं, इसको मनाते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे, हरे कृष्ण। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे भक्त जिन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूरी महिमा बताई, बताया कि एक माता जी हैं जो जर्मनी से लगभग 20 वर्ष पहले यहाँ पर आईं और ठाकुर जी के भजन में और ठाकुर जी की लीला में ऐसी रम गई कि आज गोवर्धन पर्वत खुद अपने हाथों से बनाती है, गोवर्धन पूजा खुद करती हैं। कि आप देखेंगे कितने सुंदर तरीके से इन्हें सजाया है। बता रही थी माता जी भी कि लगभग इन्हें कई दिन पहले से तैयारियां करती हैं, तब जाकर ये तैयार होते हैं। राधे राधे।